एक अनपढ़ कौवे की दोस्ती पढ़े लिखे कौवे से हो गई, दोनों में दोस्ती बहुत हद तक बढ़ गई। एक दिन अनपढ़ कौवे ने पढ़े लिखे कौवे से कहा, चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं। दोनों कहीं बाहर घूमने जाने के लिए तैयार हो गए और एक दिन दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते दोनों कौवे जंगल में बहुत दूर जा पहुंचे। वे कभी उधर घूमते थे कभी उधर, दोनों को घूमने में बहुत ही आनंद आ रहा था। घूमते घूमते भी दोनों कौवे बहुत थक गए और इन दोनों को बहुत तेज में प्यास लगी, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं था। इन दोनों ने पानी की बहुत तलाश की पर पानी ना मिल सका। दोनों कौवे पानी ढूंढते ढूंढते एक पेड़ पर जा पहुँचे। दोनों कौवे प्यास से बहुत ही परेशान हो गए थे, इनको बहुत तेज प्यास लगी थी लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। तभी अचानक से उन दोनों को एक घर दिखाई दिया, मगर उसमें पानी बहुत अंदर को था। वे दोनों कौवे अपना मुंह डालकर उस घड़े में से पानी नहीं पी सकते थे। अनपढ़ कौवे ने एक कहानी सुन रखी थी, इसमें ये बताया गया था कि किसी गांव में एक कौवा बहुत प्यारा था। उसको भी एक घड़े में पानी मिला था तो उसने गंगा डाला जिससे घड़े का पानी ऊपर आ गया था। उसने अपनी प्यास बुझा ली थी। अनपढ़ कौवे ने पढ़े लिखे कौवे से कहा, चलो भाई हम दोनों भी कंकड़ इकट्ठा करते हैं और इन कंकड़ों को घड़े के अंदर डाल देंगे जिससे पानी ऊपर आ जाएगा और हम दोनों पानी पी लेंगे। पढ़े लिखे कौवे ने कहा, अरे भाई अगर हम लोग कंकड़ इकट्ठा करेंगे और इस घड़े में डालेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और पानी भी बहुत कम मात्रा में पी पाएंगे। अनपढ़ कौवे ने पढ़े लिखे कौवे से कहा, भाई तुम ही खुद बताओ हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस प्यास को कैसे बुझाएं। पढ़े लिखे कौवे ने अनपढ़ कौवे से कहा, भाई तुम परेशान ना हो, वे कौवा उड़ा और जा करके बाद के दो सिकंडे ले आए और इन दोनों सिकंडों को पाइप की तरह घड़े में डाल दिया और दूसरे कौवे से बोला, भाई इसमें मुँह लगाकर पानी पी सकते हो। दोनों कौवे ने उस प्यास को पानी की मदद से पानी पी लिया और दोनों की प्यास बुझ गई। अनपढ़ कौवे ने पढ़े लिखे कौवे से पूछा, भाई तुमने ये कहाँ सीखा। तो पढ़े लिखे कौवे ने जवाब दिया, भाई मैंने अपने शहर में लोगों को पाइप की मदद से पानी पीते देखा था और दिमाग में ये बात आ गई। अब मैंने भी इस पाइप की मदद से पानी पी लिया। यहाँ पर बात हमारी सोच की है, हम जरा देखते हैं वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं।